हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स कुक विद सरिता। और मैं हूँ सरिता। तो आज हम बनाने वाले हैं मैसूर पाक। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक चुटकी बेकिंग सोडा, एक कप घी, आधा कप वेजिटेबल ऑयल, एक कप शक्कर, एक कप बेसन और आधा कप पानी। सबसे पहले एक कंटेनर को ऑयल या घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हम गैस पे एक पैन रखेंगे। पैन में घी और ऑयल डालेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। जब तक हमारा घी मेल्ट हो रहा है, हम दूसरे गैस पर चाशनी में डालते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें शक्कर डालेंगे और अब पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। शक्कर को पूरी तरह से घोल कर हमें इसे एक तरह की चाशनी बनानी है। अब हमारी चाशनी भी बन चुकी है और घी भी अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम दोनों गैस को बंद कर देंगे। चाशनी में हम धीरे धीरे करके बेसन डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। गैस हम इस वक्त इसलिए बंद कर देंगे ताकि बेसन घोलते वक्त जल न जाए। इस वक्त हम हैंड बीटर का इस्तेमाल करेंगे ताकि बेसन आसानी से घुल जाए। आप चाहें तो बड़े चम्मच की मदद से भी घोल सकते हैं। बेसन पूरी तरह चाशनी में घुल चुका है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। इसे 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। लो फ्लेम पर चलाते हुए इसमें गर्म घी डालेंगे। घी बेसन में पूरी तरह घुल जाना चाहिए। घी बेसन में पूरी तरह घुल चुका है। अब हम इसमें फिर से घी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। घी डालने के बाद जो जाली पड़ रही है उसे हल्के हाथ से मिलाना है। घी हमें तब तक डालना है जब तक बेसन घी ना छोड़ने लगे। ये देखिए, बेसन ने घी छोड़ना चालू कर दिया है। अब हम इसे ग्रीस किए हुए कंटेनर में डालेंगे। इसे 4 से 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसे कट करेंगे। आप इसे छोटा बड़ा अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। बीस मिनट ठंडा होने के बाद अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। अब हमारा मुंह में घुल जाने वाला मैसूर पाक बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल लेट्स कुक विद सरिता को सब्सक्राइब करना ना भूलें।